Welcome, my dear friends. Today, I shall share my experiences and try to motivate you regarding research work. As you know, in modern time, especially in the 21st century, now the time has come to think and rethink, act and react, search and research, but you should have specific mission and vision to do it. आप ये देख रहे हैं कि विभिन्न जगहों से, विश्वविद्यालयों से लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, पर एक अर्थपूर्ण शोध कार्य करने के लिए आपका मिशन एंड विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिग्री पाने के लिए शोध कार्य करना और समाज को कुछ देने के लिए शोध कार्य करना, दोनों में अंतर है। तो आज हम इस व्याख्यान में आप सभी से मिशन और विजन इन रिसर्च के बारे में अपनी विचार आपके सामने रखेंगे और ये इच्छा प्रकट करेंगे कि आप भी इसी के अनुसार मोटिवेटेड होके यू कैन डू अ लॉट्स ऑफ मिरेकल्स फॉर द सोसाइटी। सबसे पहले, इन द बिगिनिंग we must focus on mission. Mission is the goal. Mission may be short term, it may be long term. Mission is with a purpose and for a purpose. Generally, goal varies. In research, goal is related to knowledge. Now again the question comes, do you want to gain new knowledge? Do you want to copy knowledge? Do you want to gain knowledge and use for the benefit of the society? And there are a number of questions. Generally, mission is associated with military activity, completion of special task, silent movement, etc. आमतौर पे मिशन जो होता है कि एक उद्देश्य को लेते हुए कार्य किया जाता है, एक्टिविटी को पूरा किया जाता है और वह साइलेंट मूवमेंट के तौर पे कर दिया जाता है। पर अगर हम आपसे पूछें या हम सभी अपने आप से पूछें व्हाट इज मिशन, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मिशन इज रिसर्च, मिशन इज सेल्फ कमिटमेंट, मिशन इज एक्शन प्लान, मिशन इज अ डिजायर, मिशन इज एन इंटेंशन, मिशन इज कमिटमेंट, मिशन इज पर्पस, मिशन इज एन एक्सप्लेनेशन, मिशन इज गेनिंग ट्रू नॉलेज, मिशन इज टू बी ओरिजिनल, मिशन इज टू अचीव, मिशन इज टू बिकम एन एक्सपर्ट एंड मिशन इज सेल्फ इम्पोज्ड। तो इस प्रकार से आपने देखा, यू हैव सीन द वेरियस meanings which mission carries. I repeat again, the various meanings that research or mission carries is research, self-commitment, action plan, desire, intention, commitment, purpose, explanation, to gain true knowledge, to be original, to achieve, to become an expert, to be self-imposed. With all these meanings, the mission is really a mission. And
यंग रिसर्च स्कॉलर्स शुड कीप इन माइंड देयर मिशन, ट्रू मिशन, बिकॉज इट इज द टाइम टू गेन नॉलेज, इट इज द टाइम टू डू हार्ड वर्क, एंड देन ओनली यू कैन बिकम द बेस्ट अमंग द गुड. It is not easy to become the best among good. For this, you have to struggle. You have to work. You have to strive for it. In order to be the best among good, you have to be self-contained, self-previewing, self-realization, self-confidence. And these are the need of an hour. आज के दिन में शोध को एक नए तरीके से समझना है, देखना है, करना है. इसके लिए अपने आप को संयमी करना है, अपने आप को पुनः मंथन करना है, अपने ज्ञान को पुनः मंथन करना है. रिसर्च से हमें क्या निकालना है उसके बारे में सोचना है. फॉर दिस अपने आप से पूछिए, अपने आप को जानिए, और अपने में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है. फॉर दिस फ्यू थिंग्स इन माइंड देन ओनली यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई डिफाइन मिशन एंड दैट इज रियली द नीड ऑफ एन आवर. नाउ फॉर दिस यू हैव टू श्रेड योर काम, क्रोध एंड मोह. कोई भी चीज को पाने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, हार्ड वर्क. और हार्ड वर्क रिक्वायर्स कि आपकी जो इच्छाएं हैं उसको आप हावी ना होने दें, आपका जो क्रोध है उसको हावी ना होने दें, आपकी जो मोह है और कुछ कामों के लिए, या आप भटक रहे हैं अपनी मार्ग से, इन सबों को आपको त्याग देना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन गो डायरेक्टली और यू कैन स्ट्रेट अवे सी व्हाट इज योर मिशन फॉर दिस रिसर्च. और इन सब के लिए संयमी जीवन जीने के लिए अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल इज नीडेड और दिस विल एनलाइटन यू. आपको एक नई राह दिखाएगा टू हेल्प इन फाइटिंग सॉल्यूशंस, हेल्प टू कीप योर नॉलेज वर्जिन, हेल्प टू मूव इन राइट डायरेक्शन, हेल्प टू एक्यूमुलेट पॉजिटिव एनर्जी एंड दस एनलाइटमेंट्स. बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से सबसे बड़ी बात क्या होती है? तपस्या जब आप करते हैं, साधना करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, तो जितना ही आप डूबेंगे उतनी ही समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा. आपका ज्ञान बिल्कुल अपने आप में अनोखा होगा, आपको सही दिशा में चलने की राह मिलेगी, और इससे आपके सकारात्मक ऊर्जा से एक जो नई चीज आपके सामने आएगी, समाज को आप देंगे, पूरे देश को वो लाभ मिलेगा. फॉर दिस बैलेंस्ड लाइफस्टाइल इज आल्सो नीडेड. अब हम बात करते हैं विजन की बात. इट इज यू और योर वुड बी एक्शन फॉर टुमारो. विजन मूव्स यू अहेड. Vision tries to justify your ability. It is wise to be a visionary person, but unwise with no mission and vision. Original researches are original just because of their vision. Researchers were able to smell the need of the society. Vision motivates you to move ahead and ahead without looking back. तो विजन जो है वो आपका जो एक्शन है जो आपको कल के लिए आपको तैयार करके ले जाती है.
विजन जो है इट ट्राइज टू जस्टिफाई योर एबिलिटी, आपकी क्षमताओं को जस्टिफाई करने का प्रयास करती है। ओरिजिनल रिसर्चेस जो है वो ओरिजिनल है बिकॉज उनके विजन के वजह से वो ओरिजिनल है। रिसर्चेस जो है वो आपको या समाज को देने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो विजन होना चाहिए, विजन मोटिवेट्स यू, विजन हेल्प्स टू मूव यू अहेड, विजन हेल्प्स यू टू मूव अहेड विदाउट लुकिंग बैक। सो दिस इज विजन। द लाइंस स्पेशली गेट ब्लर्ड विद विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, बट व्हेन इट कम्स फॉर एक्शन दैट इज टू ड्राइव एंड गिव डायरेक्शन टू इट, देन यू डोंट ट्रबल इन सीइंग एंड एक्टिंग अपॉन। दस बोथ हैव टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। विजन फोकसेस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू बी, वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन फ्यूचर। विजन इज योर होप एंड ड्रीम। विजन हेल्प्स यू इन सॉल्विंग ग्रेटर प्रॉब्लम्स टू अचीव ग्रेटर गोल्स। विजन इम्प्रूव्स योर स्किल इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। विजन विद अ पर्पस लीड्स टू सक्सेस। तो इस प्रकार से आप देखिए कि विजन जो है वो फोकस करता है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे, क्या बनेंगे। विजन जो है वो आपका होप है, आपका सपना है। विजन के सहारे आप बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याओं को का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। विजन इंप्रूव्स योर स्किल। विजन विद पर्पस लीड्स टू सक्सेस। दस लाइक अ ट्रू सिंसियर एंड डेडिकेटेड रिसर्चर्स यू शुड वाउ फॉर ओरिजिनल वर्क, ओरिजिनल आइडियाज, ओरिजिनल रिसर्च डिजाइन, ओरिजिनल थिंग। आप सही मायने में आपको शोध करना है, आप सिंसियर हैं अपने प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, तब आपको ये प्रण करना पड़ेगा कि हम जो भी शोध कार्य करें, जो भी कार्य करें, वो हमारा मौलिक हो, हमारे विचार मौलिक हो, हमारे शोध की जो डिजाइन है वो मौलिक हो, हमारी सोच मौलिक हो, मौलिकता से भरपूर होनी चाहिए। और आज के दिन में 21वीं सदी में इसकी बहुत आवश्यकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज बन रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हर जगह स्किल की बात की जा रही है, हर जगह स्वदेशी की बात की जा रही है। तो इस कंडीशन में हमें ओरिजिनल बनना पड़ेगा, कॉपी कट पेस्ट से हम आगे बढ़ नहीं सकते। टू सम अप एवरीथिंग ओरिजिनल फॉर दिस बी रेडी। हमें सब चीज ओरिजिनल करना है, मौलिक करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। किस चीज के तैयार? कि हम स्ट्रगल करेंगे, हम लड़ेंगे, हम कठिन परिश्रम करेंगे, हम अपने मंजिल से भटकेंगे नहीं। जैसे टू स्ट्रगल, टू फाइट आउट ऑड्स, टू वर्क हार्ड, नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। और अंत में आप सभी को हम ये बोलना चाहेंगे, At this stage, you all will face a lot of problems. समस्याएं अनेक आएंगी, हर चरण में आएंगी, हर पल में आएंगी समस्याएं, पर आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। और इसीलिए believe in yourself only, believe in your skills only, believe in your stamina only. It is you, the source of energy. It is you, the source of guidance. It is you, the source of action. It is you, the source of resources, and so on. और इसी वजह से हम कहना चाहेंगे,
ट्राई टू लव टू रीड, ट्राई टू लव स्पेंडिंग टाइम विद बुक्स, ट्राई टू लव टू एक्वायर नॉलेज, ट्राई टू लव टू स्ट्रगल, ट्राई टू लव टू फेस हार्डशिप्स. आफ्टर ऑल एवरी ट्रू ओरिजिनल रिसर्च हैज टू फेस इट एंड ओवरकम इट ऑल्सो. कॉपी कट एंड पेस्ट स्लाइट चेंजेस इन द टाइटल, स्लाइट चेंजेस इन द रिजल्ट मीन्स सुसाइड ऑफ द रिसर्च. हमें ऐसा नहीं करना है. डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेज, संसाधनों का हमें वेस्टेज नहीं करना है. यू आर प्रेशियस फॉर द सोसाइटी एंड ऑफ कोर्स फॉर द कंट्री. सो फियर नॉट, मूव अहेड. तो इसी प्रकार से, इसी सोच को लेके आपको आगे बढ़ना है, शोध कार्य करना है, मौलिक रूप से शोध कार्य करना है और दिखाना है कि हम भी कुछ नया करके समाज को दे सकते हैं, देश को दे सकते हैं. इसके लिए आप प्रण करिए और तैयार हो जाइए फॉर गुड एंड क्वालिटी रिसर्च. थैंक यू.